हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा डी कार्बोक्सिलेशन मैथड, जिसको हम सोडा लाइम प्रोसेस भी बोलते हैं। उस प्रोसेस में हमने एल्केन को प्रिपेयर किया था। देर इज अनदर मैथड जिसमें अगेन एल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है अच्छी ईल्ड के साथ, जिसको बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड। तो आइए देखते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट विद स्माइल ऑन योर फेस। सो इस केस में दो यूनिट हम लेते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा। किसकी यूनिट लेते हैं? सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके सॉल्ट हम लेते हैं। वो दोनों यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और उससे हमें मिलता है एल्केन। और दो गैसेस रिलीज होती हैं, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज H2। तो हमें देखना है गैसेस कहाँ रिलीज होती हैं, कौन सी गैस कैथोड पर रिलीज होती है, कौन सी गैस एनोड पर रिलीज होती है, और ये CO2 यहाँ से रिमूव हुआ ही कैसे, ये एल्केन कैसे बना। तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस का मैकेनिज्म। तो देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है तो आपको पता है कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हमारे पास होंगे। एक इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड। तो आप सभी को पता है कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एनोड पे क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा सॉल्ट है और सॉल्ट पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करने से रहा, ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, इस नेगेटिव चार्ज के पास काफ़ी सारे ओ के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज करता है एनोड पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर तो मेंटेन रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर का एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, यानी फ्री रेडिकल हो जाता है यहाँ पे। अब होता क्या है, ये फ्री रेडिकल ओपे डॉट इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल। तो ये जो इंटरमीडिएट आपके सामने है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो होगा कुछ ऐसा, इस रेडिकल को एक और रेडिकल अगर इस पॉइंट पे मिल जाए तो वो रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। तो ऐसा ही होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस आर को वापस मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ क्या बनाएंगे? एक डबल बॉन्ड बनाएंगे एंड CO2 गैस विल बी रिलीज। और इस प्रोसेस में R रेडिकल भी जनरेट होगा। अब ये R रेडिकल जो जनरेट होंगे, ये आपस में क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन, जैसा कि हमने वुड्स रिएक्शन में देखा था। ये वुड्स रिएक्शन के काफ़ी सिमिलर है। तो आपने देखा R रेडिकल सिर्फ एक नहीं बनता, कई सारे R डॉट आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और ये प्रोसेस को अपन डाइमराइजेशन भी बोलते हैं। आइए अब जानते हैं कैथोड पे क्या होता है। तो देखिए, आई होप आप सभी को पता है कैथोड जो होता है इस पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्वा सॉल्यूशन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा किसको? ऑक्सीजन को मिलेगा, जिससे यहाँ पे एक एच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण वाटर विल कन्वर्ट टू OH नेगेटिव और एक एच रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। अगर इसको आपको ध्यान से देखना है कि रियल में क्या हो रहा है, तो ये वाटर है और ये एक इलेक्ट्रॉन आया। ये इलेक्ट्रॉन ओ के पास जैसे ही आएगा, यहाँ से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन एच को मिलेगा और एक ओ को मिलेगा, जिस कारण यहाँ पे क्या बनेगा? ओ एच नेगेटिव और ये बनेगा एच रेडिकल। अब ये एच रेडिकल जो है ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये दूसरे एच रेडिकल जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उनसे मिलके क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जिससे यहाँ पे क्या बनेगा? H2 का मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। आइए स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम एग्जाम्पल, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इसका क्वेश्चन कैसे किया जाए। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का सॉल्ट है और यहाँ पे बोला गया कि इसका कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया, तो बताइए कौन सा एल्केन बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? CO2 को यहाँ से रिमूव करेंगे। CO2 को रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे इस पॉइंट पे वैलेंसी फ्री होगी, जिससे यहाँ आप रेडिकल को जनरेट करेंगे। अब ऐसे रेडिकल और भी सॉल्यूशन में जनरेट होंगे, तो ये रेडिकल और दूसरा रेडिकल आपस में क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और ये एन ब्यूटेन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। सो एन ब्यूटेन विल बी फॉर्म्ड। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल। अगले केस में अगेन हमने क्या किया है?
CO2 को यहाँ से रिमूव किया है, CO2 को रिमूव करके यहाँ रेडिकल जनरेट किया है। इसी तरह का एक और रेडिकल हमने लिया जो आपस में इंजॉय करेंगे, पेयर अप करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और ये बॉन्ड बनाने से इस तरह का कुछ एल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। सो गाइस, इन दिस रिएक्शन यू हैव लर्न्ड कि कैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है एनोड पे एंड कैथोड पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिसमें ये सॉल्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करके रेडिकल फॉर्म में आ जाता है, विच इज़ हाईली अनस्टेबल, जिससे आर डॉट जनरेट होता है और CO2 निकल जाता है। ये आर डॉट आपस में क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइमराइजेशन। और आर आर एल्केन इज फॉर्म। अब इसके बाद हमने देखा कि कैथोड पे कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देन वी हैव सीन फ्यू एग्जाम्पल्स। सो गाइज, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू।